आईएनए की ओर से एक सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं, जहां खास तौर पर करोड़ों के टैक्स चोरी को लेकर ये एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए, आप पर लगाए। देखो मैं आपसे सबसे वही रिक्वेस्ट करता हूं, आप सब फैमिली वाले हैं, जितनी चीज़ें हैं सब प्रोसेस में हैं, सबके सामने हैं, यू हैव गिवन ऑल द डिटेल्स टू एवरीवन, और मैं पर्सनली भी आप लोगों से बात करूंगा इसके लिए, बट आई थिंक मैं जिस लिए नीचे आज आया हूं, दीज फॉर दीज पीपल जो चार पांच दिन से बाहर खड़े हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है, ये मुद्दा ज़रूरी है, बाकी तो वो लोग अपना काम करेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे ना। सर पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये जो रेड्स हुए हैं उसको आप मानते हैं? भाई जो एलिगेशंस है, जैसे कि केजरीवाल जी का ये आरोप था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा है कि सिर्फ आपने केजरीवाल जी की जो सरकार है उनको सपोर्ट किया है, उनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दिल्ली के, इस वजह से आपको बीजेपी टारगेट कर रही है? नहीं मैं सबके लिए ब्रांड एम्बेसडर हूँ, आप मुझे राजस्थान में बुलाएंगे तो भी मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा, गुजरात बुलाएंगे तो भी बन जाऊंगा, पंजाब बुलाएंगे तो भी, मेरा कोई कलर नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स, मैं बहुत साल पहले से भी लगा हूं बच्चों को पढ़ाने के लिए, अभी भी लगा हूं, हम सिर्फ दिल्ली में नहीं बच्चों को पढ़ाते, हम देश भर में बच्चों को पढ़ाते हैं, आप कहीं से भी बुलाएंगे, कोई भी सरकार मुझे बुलाएगी हेल्प करने के लिए बच्चों के, सो आई एम देयर फॉर देम, और मैं आई मेक श्योर कि मैं वहाँ पहुँचूंगा। जो है इनकम टैक्स की आपकी तरफ लोग आए और कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दिल्ली के ब्रांड एम्बेसडर बने? नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, आई डोंट बिलीव, और मुझे लगता भी नहीं कि मुझे इस चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, उससे बड़े मुद्दे आपने देखा ही है, यहाँ पे इतने लोग खड़े हुए हैं, आई थिंक वो एड्रेस करना ज़रूरी है। ये तो ठीक है, ये तो समय है, चलता रहेगा, ये भी बीत जाएगा, दूसरा समय आएगा, बट आई थिंक दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सर जो ट्वीट आपने किया है उस ट्वीट के जरिए आपने मतलब चैरिटी फाउंडेशन के 19 करोड़ की बात की, जो जुलाई से लेकर 2020 तक अप्रैल तक जो 19 करोड़ पे जमा किया उसमें सिर्फ लोगों की सहायता के लिए सिर्फ 2 करोड़ पे, जो सबसे बड़ा सवाल आज यही उठ रहा है कि 17। मैं एक छोटा सा बताता हूँ, देखो मैं आई वॉज नॉट सपोज टू स्पीक, पर मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, हर फाउंडेशन के अंदर खासकर मेरी फाउंडेशन के अंदर मैक्सिमम जो फंड्स आते हैं मेरे खुद के, जो मैं एंडोर्समेंट के फीसेस बोलता हूँ ब्रांड्स को देने के लिए, वो रहते हैं, और दूसरी कोई भी फाउंडेशन को समय लगता है खर्च करने में, ओवरनाइट नहीं होता, और एज पर रूल्स ऑल्सो जो 1-1.5-2 साल जितने समय लगते हैं उतने हमारा भी प्रोसेस भी आप देखेंगे और कम हो जाएंगे इसमें, कल देखेंगे और कम हो जाएंगे, जब कोई बंदा मेहनत से 1 रुपया भी देता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सही जगह पर जाए, वो उन्होंने कंधे पे हमारी जिम्मेदारी दी है। एक अंधी लड़की 3,000 रुपये अपनी पेंशन मुझे महीने की अगर उसने दी है एक दफ़ा, तो 3,000 मेरे लिए 3 करोड़ के बराबर है, आई हैव टू मेक श्योर कि वो सही जाए। हर फाउंडेशन में टाइम के हिसाब से खर्च होता है, जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती हैं, ऐसा नहीं होता कि आज आया कल खत्म हो गया, अभी उसमें सिर्फ 4 महीने हुए हैं, 1.5 साल 2 साल लगते हैं खर्च होने में। मेरी इच्छा हॉस्पिटल बनाने की है, कि सोनू सूद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम ऐसे ही चलता रहना चाहिए, दैट्स द आइडिया, दैट्स अ विजन आई हैव, ये नहीं है कि यहाँ पे 10 लोग आ गए, जितने मेरे पास ऐसे हॉस्पिटल होने चाहिए ये लोग आए, पहुँच जाओ वहाँ पे, और आप देखेंगे जब नेक्स्ट टाइम मुझे गए वही हो रहा होगा। सो द आइडिया इज़ टू मेक इट बिगर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और वही मेरी कोशिश है, एंड आई थिंक यू विल सपोर्ट मी इन दिस, और हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.